हेलो सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से देखिए वीडियो स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि स्टूडेंट्स इंटरनल मार्क्स जो आपके 20 मार्क्स हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में उसमें कितने मिलते हैं। स्टूडेंट याद रखिए कि मैंने काफी रिपोर्ट कार्ड अपलोड की है और मैंने रिपोर्ट कार्ड उन बच्चों को भी देखी है जिसके 60% मार्क्स आए हैं ओवरऑल, उन बच्चों को भी देखा हूँ जिसके 80% आए हैं, और जो टॉपर्स हैं जिनके 95% प्लस है उन बच्चों को रिपोर्ट कार्ड देखा हूँ। मैंने सभी के रिपोर्ट कार्ड में ये एक चीज देखी है, 95% वालों को हर सब्जेक्ट में 20 out of 20 इंटरनल मिलता है, 80% वालों को जो इंटरनल मिल रहा है वो 19 या 20 के मार्क्स मिलते हैं, और 16% वालों को स्टूडेंट्स 18 और 19 या तो फिर 20 इनमें भी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मिनिमम जो मार्क्स मैंने देखा है इंटरनल में 17-18 से लेके 20 मार्क्स, तो इंटरनल जो मार्क्स है स्टूडेंट्स वो 20 में से नियर अबाउट 20 मिल सकता है अगर आप 65% के ऊपर हैं, तो अगर 60% से नीचे हैं तो 17-18 और 19 ये तीन फिगर देंगे। थ्योरी में स्टूडेंट्स आपको जो मार्क्स लाने हैं वो डेफिनेटली आपके हार्डवर्क, क्योंकि स्पेसिमेन पेपर स्टूडेंट्स अपलोड हो चुके हैं और आपके टर्म वन एग्जामिनेशन स्कूल में स्टार्ट भी होने वाले हैं और स्टार्ट या तो हो गए होंगे। अब स्टूडेंट टर्म वन एग्जामिनेशन से लेके आपको फाइनल एग्जामिनेशन मतलब प्री बोर्ड एग्जामिनेशन तक आपको अपने परसेंटेज हर एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 5-10% का इंक्रीज आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इंक्रीज आपका प्रॉपर हुआ तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जामिनेशन में 90 स्कोर आसाम से कर सकते हो। स्टूडेंट पासिंग क्राइटेरिया क्या है क्लास 10th के लिए, स्टूडेंट्स एक चीज नोट रखिए कि क्लास 10th में काफी बच्चे सोचते हैं कि पासिंग मार्क्स पहले पास हुए स्टूडेंट पासिंग मार्क्स आपका 33 है। पासिंग मार्क्स अगर 33 है स्टूडेंट्स तो क्राइटेरिया बता देता हूँ आपको मैं क्या है, 33 मार्क्स है। अब यहाँ पे अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो स्टूडेंट आपको एक दिखाई देगा कि एक सर्कुलर है जिसमें लिखा है कि सेपरेट इंटरनल में 33 होने चाहिए और सेपरेट आपके थ्योरी में 33 होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये है करेक्ट बट ये 12th के लिए है, मतलब इंटरनल में 33% और थ्योरी में 33% ये आपका 12th के लिए है स्टूडेंट्स, ये 10th के लिए नहीं है। 10th में आपका कंबाइन इंटरनल प्लस थ्योरी, हमेशा मैंने बहुत सी रिपोर्ट कार्ड स्टूडेंट सर्च कर ली, काफी मेरी वीडियो भी उसमें है सीबीएसई में, इंटरनल प्लस थ्योरी दोनों मिला के आपके 33 मार्क्स होने चाहिए, 33% मतलब आउट ऑफ 100 33 मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके थ्योरी में जैसे 33% जो है आपका आउट ऑफ 80 26 मार्क्स है, अगर थ्योरी में 26 मार्क्स नहीं आया तो ऐसे नहीं आप फेल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ऐसे कई रिपोर्ट कार्ड मैंने देखे जिसमें 17-19 मार्क्स हैं थ्योरी में, इंटरनल ऐड करके स्टूडेंट को पास किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये पासिंग क्राइटेरिया है। और एक चीज नोट रखिए स्टूडेंट्स, आपके 5 सब्जेक्ट में से अगर आप तीन सब्जेक्ट में 33 मार्क्स लेके आ गए हो तो भी आप क्या है, तो मतलब आप क्लियर आपको डिटेन नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे पूरा ईयर, आपको 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट रहेगी, जिसे अभी इस समय कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुका है, अब सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन से। तो स्टूडेंट्स इतना टेंशन लेके, पहली चीज तो टेंशन लेके नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स, याद रखना बहुत टाइम बाकी है, पासिंग मार्क्स बहुत ईजी रहता है, सीबीएसई में मैं भी कुछ हेल्प करूंगा, जो मेरा सब्जेक्ट है मैथ एंड साइंस उसमें आपको मैं काफी पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड करूंगा। स्टूडेंट देखिए एग्जामिनेशन डेट जो इस साल की रहेगी तो क्या हो सकती है, एग्जामिनेशन डेट स्टूडेंट लास्ट ईयर 15 फेब से स्टार्ट हुआ था, इस बार भी अगर देखेंगे नेट पर भी सर्च करेंगे 15 फेब 2024 दिया हुआ एग्जामिनेशन डेट की, तो यहां से आपके ना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो मतलब संस्कृत वगैरह या तो ऑप्शनल अदर लैंग्वेज लिए हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। आपके जो रिटन एग्जामिनेशन मेन सब्जेक्ट हैं वो 26 से लेके 27 या 25 ये डेट रहेंगे स्टूडेंट्स, और आपके पूरे मार्च एंड तक एग्जामिनेशन मतलब 75 से 80 डेज आपका एग्जामिनेशन चलेगा। स्टूडेंट्स आपका एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्जामिनेशन आपका 15 फेब से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, 45 डेज प्रायर, मतलब आपके कम से कम 45 डेज प्रायर आपके टाइम टेबल और एडमिट कार्ड मतलब आपका जो कंफर्म टाइम टेबल है एडमिट कार्ड उसी टाइम पे आपके आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपको ये बता दूं कि रिजल्ट डेट इस साल क्या रहेगा, जैसे स्टूडेंट्स इस साल आपके एग्जामिनेशन जब खत्म हुए मार्च में तो मई में आपका 2nd वीक तक रिजल्ट आया स्टूडेंट, तो इस साल भी जो रिजल्ट का जो रहेगा एक्सपेक्टेड रहेगा वो मई सेकेंड वीक या तो फिर थर्ड वीक यही एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट लास्ट पेपर अगर आपका मार्च में खत्म होता है तो मार्च के अगर मैं 30 मार्च अगर लास्ट लेता हूँ 30 मार्च तक या 31 मार्च तक, तो वहां से 45 डेज आप पकड़ लीजिए, प्लस 45 डेज में सीबीएसई को करेक्शन करके रिजल्ट डिक्लेयर करना होता है, मतलब ये उनका रूल्स भी है।
तो स्टूडेंट यहाँ से 45 डेज लेते हैं तो मई से 20 मई के बीच में, मतलब 20 मई के आसपास में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो में काफी इन्फॉर्मेशन 2024 मिलेगी। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको अपना परसेंटेज कैलकुलेशन करना है फर्स्ट टर्म के हिसाब से, तो वो भी इसके लिए आप कमेंट भेज सकते हो। कुछ भी अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट में भेजिए, डेफिनेटली मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।